वो कौन हैं जो आपको हर बार ऐसी स्थिति से बचा लेते हैं जहां से आपका निकल पाना नामुमकिन था, जहां से आपका निकल पाना नामुमकिन है। आपके ऊपर परमात्मा की ना बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है, शायद इसीलिए आज आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरस रही है। इसमें आपके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैसेज आए हैं जिसे जानना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो को अपनी ओर कैच कर पाए हैं। सो देखते हैं अभी इस वक्त करेंट एनर्जी में कि डिवाइन आपको कौन से ऐसे सरप्राइजेस हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आप तक वो बढ़ चुकी है, डिवाइन की ब्लेसिंग आप तक बढ़ चुकी है और जोरों शोरों से वो आपके द्वार पर आने वाली है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं ना, आपके ऑफिस के या कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, मन ही मन वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, आपका अच्छा नहीं देखना चाहते। आपको पता भी होगा कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जबकि जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनके फेस पर आपको ये चीज़ दिखता होगा कि उनके ना एकदम से, मतलब वो एकदम से ना उनके होश उड़ चुके हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देख के। तो आजकल मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात आपके हेटर्स, आपको जो हेट करते हैं, आपको जो पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना अभी शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ना समझ सकते हैं आप कि उनके तोते उड़े हुए हैं। तो वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतने ज़्यादा आपके ऊपर कुछ लोगों ने स्पेल वगैरह किया है, ठीक है, ब्लैक मैजिक किया है, बहुत सारे तंत्र क्रियाएँ आपके ऊपर करी गई, ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसे करी गई, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं, टस से मस आप नहीं हुए, बल्कि आप बहुत ज़्यादा और ना निखर के आए हैं, ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व है और बहुत ज़्यादा निखरा है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगे, शाइन करने लगे हो। आपको ऐसा कुछ चीज़ असर ही नहीं कर गई कि जिससे आपको ऐसा लगे कि आप पीछे की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें ना आपको हार्म नहीं कर सकी। तो वो ये ज़्यादा ये सारी बातें को सोच कर ना वो बहुत ज़्यादा अभी ऐसा दिख रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इनके पीछे ऐसे कौन से दिव्य शक्ति हैं, ऐसे कौन से भगवान हैं, ऐसे कौन से एंजल्स हैं, इनके कौन से ऐसे पूर्वज हैं जो उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा इनको बचा लेते हैं, हर बार मौत के मुँह से इनको बचाया जाता है। तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके ऊपर ना डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में है, और कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, जी जान लगा ले, लेकिन वो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि किसी के ना तोते उड़े हैं, कोई बहुत ज़्यादा ना हो सकता है उनके होश उड़े हुए हैं, वो आपको देखते हैं ना, जब जब वो आपको देखते हैं, अपने लाइफ में एक स्टेप ऊपर आपकी ओर बढ़ते देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि इसके ऊपर इतना कुछ किया गया है, इतनी सारी चीज़ें करी गई, लेकिन आज भी ये इंसान वहीं का वहीं खड़ा है, ऊपर से और ज़्यादा ग्लो करने लगा है, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वो चीज़ें ना जो आपके ऊपर चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ मैं कॉन्फिडेंसली कह सकती हूँ आपके ऊपर डेफिनेटली ये चीज़ें करी जाती है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें करी जाती है जो कि वो चीज़ें ना आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर वो काम करती है, ठीक है, आपके पास वो ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो लोग आपके जो हेटर्स हैं वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, ठीक है, वो गलत चीज़ें आपके लिए मांगते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग बन जाती है, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए अच्छे चीज़ बनकर, अच्छे ब्लेसिंग के रूप में बनकर काम करने लग जाती है, जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा शाइन करने लगे। आप ये चीज़ देखोगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में अचानक से कि आप चकित रह जाओगे, और वो तो ऐसा लगेगा उनके तो होश ही उड़ जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा जब वो ऐसी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वो मनाते कुछ और है आपके लिए लेकिन आपकी लाइफ में होगा कुछ और, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऐसी देख रही हूँ कि वो ऐसा चाहते हैं कि आप बेड पे लेट जाओ, ठीक है, आप उठो ही ना, ऐसा चीज़ें वो मानते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ें आती है, लेकिन डिवाइन उस चीज़ को ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं कि ऐसे, मतलब जब आपके परमात्मा आपके आसपास रहते हैं, वो ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं कि वो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर
काम करने लग जाती है, मतलब अच्छी चीज़ बनकर अच्छी चीज़ देती है आपको, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शाइन करवा देती है, बहुत ज़्यादा आप ग्रो करने लगते हो। और आप बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो और एक स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो। ये चीज़ें देखकर जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको हेट करते हैं बिना किसी वजह के, वो बहुत ज़्यादा ना अभी उनके होश उड़े हुए हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में उनको हार्ट अटैक भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो आने वाले टाइम में आपको मिलेगी, वो ब्लेसिंग मिलेगी, वो खुशियाँ मिलेगी, वो चीज़ें आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, जो आपने अपनी डायरी में लिखी हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें को यहाँ पर, मैं वो देख रही हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ों को ना अपनी डायरी में लिखी हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपनी चीज़ों को डायरी में लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मेरी चीज़ ये हो चुकी है, मेरी इच्छा ये पूरी हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुछ ऐसे टेक्निक आप करते हैं, कुछ किसी ने डायरी में लिखा हुआ है, वो चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पर मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरा होते हुए देख रही हूँ। तीन ऐसी इच्छा हैं आपकी, तीन ऐसी कोई विश है आपकी, स्पेसिफिक विश होगी जो बहुत दिनों से आप चाहते हो वो पूरी हो, और वो इच्छा आपकी यहाँ पर मुझे पूरी होती दिख रही है, ठीक है। 3 महीने के अंदर एक 3 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि ऐसे आने वाले टाइम में आपके लिए चेंज, परिस्थितियाँ चेंज होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग जो आपको बिना वजह हेट करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। वो देखेंगे कि आप तो और दिन पर दिन शाइन करने लगे हो, इतनी कह सकते हैं वो चीज़ें बहुत करती हैं, ठीक है। जो उनसे बन पड़ा है, लोगों के पास जाकर, लोगों से पूछकर, कुछ ऐसा चीज़ करके वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है। और ये चीज़ें मैं आपको कह सकती हूँ दावे के साथ, वो लाइफ में कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने ऑरा को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था आने वाले टाइम में, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था पिछले वीडियोस में भी कहा था कि आप लोग मंत्रास किया करो, ठीक है। जो मंत्रास करता है तो उनकी जो ऑरा शील्ड है ना, वो अपने आप ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एक तो डिवाइन की ब्लेसिंग, ऊपर से आपने अपने ऑरा को इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट कर लिया, और डिवाइन ने आपको ऑलरेडी एक शील्ड में डाल रखा है, प्रोटेक्शन शील्ड में। तो वो चीज़ें आपके लिए ना कभी भी ऐसे गलत तरीके से काम कर ही नहीं पाएगी। तो बहुत सारे लोग ये देख रही हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ मंत्रास करने लगे, उनको जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ व्यूवर्स हैं मेरे जिनके एनर्जी में यहाँ पर पिक कर रही हूँ, वो मंत्रास कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ आप सबके लिए जो ये चीज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, ठीक है। आप शायद यही कारण है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वो सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि आप मंत्रास कर रहे हो। बहुत सारे लोग मंत्रास कर रहे हैं और अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खा भी रहे हैं और अपने तन मन को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ को ना चेंज कर रहे हो। तो ये मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मैं कहती हूँ वो लोग आप लोग करते हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी कैच कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे लोगों को ना हार्ट अटैक तो देने ही वाले हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन भेजने वाले हैं। वो चाहे लाख कोशिश कर ले आपके लिए, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ मांग ले, बहुत ज़्यादा गलत सोचे, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करें, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिए और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले, जिसके आप असली हकदार हैं। कुछ लोग इसलिए बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको हार्म करने के लिए, आपको एक ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में डालने के लिए जहाँ से आप ना निकल नहीं पाओ खुद को, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करने के लिए, आपको एक ऐसे भ्रम जाल में भेजने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसलिए वो बहुत ज़्यादा ना उनका दिमाग जो है घूमा हुआ है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद आप खड़े कैसे हो, आप इतने ज़्यादा ग्लो शाइन क्यों कर रहे हो। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप दिव्य मार्ग पर हैं, आप सत्य मार्ग पर हैं, आपके ऊपर परमात्मा की बहुत ज़्यादा कृपा है, और वो ऐसी कृपा है जो ऐसी गंदी चीज़ों को आप तक आने से पहले ही उसे तोड़ के फेंक देता है, और जो चीज़ें आपके पास आती है उस चीज़ को ना वो ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं कि वो आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर काम करने लग जाती है, ठीक है। इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आई है, ठीक है, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ें ना आपके ऊपर एक
और चमत्कार कह सकते हैं, एक ब्लेसिंग कह सकते हैं, उस तरह से काम करती है और जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो। मतलब आपके हेटर्स ना आपके लिए समझ लो इस टाइम पर क्या, हमेशा ही वो अच्छा ही कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो वो बहुत सारी कोशिश करते हैं कि वो आपको ऐसा कर दे, वैसा कर दे, आपको बेड पे लेटा दे या आपकी सारी चीज़ों को छीन ले, लेकिन ऐसा डिवाइन नहीं करते हैं। आपके परमात्मा ऐसे होने नहीं दे रहे हैं। तो थैंक यू ज़रूर से बोले अपने डिवाइन को, अपने परमात्मा को, अपने ईस्ट को, अपने पूर्वज को, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में हैं जहाँ बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, मौलवी आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा ना आपकी रक्षा करी जा रही है, हर समय हर घड़ी आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा करी जा रही है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा अभी नर्वस है आपके अराउंड, को ऐसा फील हो रहा है कि कौन है इनके साथ जो इनकी इतनी ज़्यादा रक्षा करते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद आप खड़े कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना देखकर कोई बहुत ज़्यादा ना इनके होश उड़े हुए हैं। देख लेते हैं आज के एंजल्स, डिवाइन एंजल्स डाउनलोड मैसेज में क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके एंजल्स आपको अभी प्रेजेंट में क्या बताना चाहते हैं। गुड लक इज़ कमिंग योर वे, आपके लिए गुड लक्स आने वाले हैं। और यहाँ पर देखो गुड लक्स के बाद एक सॉन्ग भी आया है, तुम चैन हो, मेरा सुकून हो, सब कुछ हो। ये गाना है, एक सॉन्ग है जो कोई आपके लिए डेडिकेट करना चाहता है, आपको डेडिकेट करना चाहता है या आप किसी को करना चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ में ना इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है गुड लक्स आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे कर्म के फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। गॉड्स प्लान्स इज़ ऑलवेज द बेस्ट, आपके लिए जो गॉड ने प्लान किए हैं ना वो अब आपके लिए आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार को लेकर आने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि डिवाइन ने मेरे लिए कुछ सोचा भी है कि नहीं, परमात्मा ने मेरे लिए कुछ सोच कर रखा भी है कि नहीं, लेकिन हाँ अब आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी कि आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें अब सही हो रही है, चीज़ें अब मेरे फेवर में आ रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। रिपीट अफर्म मी, दिस विल बी माई सीजन ऑफ माई लव एबंडेंस एंड जॉय, मतलब आपके लाइफ में रिपीट होने वाला है ये सारी चीज़ें फिर से, ठीक है। ये एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, आपका प्यार होगा, अबंडेंस होगा, जॉय होगा, मनी होगी, वो सारी चीज़ें होगी आपके पास जिसके लिए आप हमेशा से अपने परमात्मा को मतलब बहुत ज़्यादा उनसे प्रे करते हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, वो सारी चीज़ें आपके पास अब आने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और देख लेते हैं, न्यू होम न्यू कार, कोई न्यू होम या कोई न्यू कार लेना चाहता है, ये डिवाइन की ओर से ये ब्लेसिंग हो सकती है। तीन बड़ी इच्छा मैंने बोली है ना, तो हो सकती है ये दो इच्छा आपकी हो, एक इच्छा आप जानो कौन सी है। तो कुछ लोगों की ऐसा मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों ने या नई कार, नया घर मांगा है, कुछ ऐसी चीज़ें मांगी है, तो यहाँ पर डिवाइन उसके लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपको मिलेगी। देखो एक चीज़ यहाँ पर अपने आप उड़ कर आया है, जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स, तो हेटर्स बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। कुछ हेटर्स हैं आपके, एनिमीज़ हैं आपके, जो जलन में आकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है। अपने आप मेरी गोद में आकर गिर गया, मैं इसको लेने वाली भी नहीं थी क्योंकि मैं ऐसी ब्लाइंडली लेती हूँ ना। एंजल्स अभी क्या कहना चाहते हो, ये अपने आप उड़कर आया है, आप समझ रहे हो ये मैसेज क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कि जलन में आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो अपनी ही ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को तबाह करे, इस कदर मतलब उनके अंदर जलन, मतलब इस कदर ईर्ष्या भर चुकी है, जलनती भर चुकी है कि वो अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर रहे हैं उस एनर्जी में आके, उस जलन वाली एनर्जी में आकर बहुत ज़्यादा। दे कैन नॉट कंट्रोल एनी मोर, अब किसके भी कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, और ना ही आप किसी के कंट्रोल में आना चाहते हैं। पीपल लव यू द मोस्ट, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, जिस वजह से भी ना कुछ लोग आपसे नाखुश रहते हैं कि इनको वो सब कुछ मिलता है जो एक सक्सेसफुल इंसान को मिलनी चाहिए, एक इज्जत, एक नाम, वो सब कुछ आपको मिलता है। इस वजह से भी कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है और बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं जेलस है आपसे, बहुत ज़्यादा वो इस वजह से आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। योर करियर विल शाइन दिस ईयर,
आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। ये साल आपके लिए जाते जाते ना कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर देकर जाने वाला है, ऐसी गंदी चीज़ों को आपकी लाइफ से लेकर जाने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में देकर जाने वाला है जो आप हमेशा याद रखोगे कि 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरी लाइफ से ये चीज़ें चली गई जो मैं चाहता था या चाहती थी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ से चली जाएँ, मुझे बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं था, और जो चीज़ें मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ऐसा आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन देने वाले हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें आपके लिए बदलने वाली, ऐसी चीज़ें होने वाली है कि आप बिल्कुल चकित रहोगे, शॉक्ड रहोगे। तो एक और मैसेज आया, ये भी देख लेते हैं। साइलेंस इज़ बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। तो यहाँ पर आपको ना डिवाइन कह रहे हैं कि चुप रहो, शांत रहो, मैं सब चीज़ों को देख रहा हूँ, तुम्हें किसी से या तू मैं करने के, लड़ाई झगड़े करने के ना अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी है, अपनी जो पॉजिटिव आपकी एनर्जी है उसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। पर चुप रहे, शांत रहे, भक्ति भाव करे, मंत्रास करे, ठीक है, अपने आप का ख्याल रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखे, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। इस मैसेज का मतलब यह है, डिवाइन कह रहे मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो करना था वो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वही करो, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और एक और मैसेज आया है, वाला लेते हैं, क्या है, यू आर माई अच्छे कर्मों का फल। आपसे ये कोई कह रहा होगा, आप उनके लिए एक अच्छे कर्मों का फल है, शायद उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तब उन्होंने आपको पाया, तो वो आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, यू आर माई अच्छे कर्मों का फल। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आप बार बार ये चीज़ें डिवाइन को कहोगे या सबको कहोगे, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मेरी लाइफ में ये आए हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। और देख लेते हैं डिवाइन इस पर क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखो, क्लेम जरूर से करें, थैंक यू जरूर से बोले, डिवाइन कितने पॉजिटिव मैसेज के लिए जरूर से ही थैंक यू बोला करें। न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं न्यू बिगनिंग आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है और बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू चीज़ें आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करने वाले हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। और देख लेते हैं, एवरीथिंग यू लॉस्ट विल कम बैक। देखो, आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ख़त्म हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ख़त्म नहीं करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हुई थी, कुछ ऐसे रिश्ते टूटे थे या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई थी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से वापस से दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से आएंगी। शायद हो सकती है आप फाइनेंशियल इशू से बहुत ज़्यादा गुजर रहे थे, वो चीज़ें स्टेबल होने वाली है, सही होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ब्लेसिंग, हर एक अच्छी चीज़ों में जितनी अच्छी चीज़ें ऐड होती हैं वो आप कर लो, वो चीज़ें आपके लाइफ में फिर से आने वाली। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर आप बहुत चुप चुप रहने लगे थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, आप एक ऐसे फेस में थे जहाँ आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ से सब कुछ वो चला गया, एक वो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से आने वाली, ठीक है, कम बैक, जो चीज़ें आपने लॉस्ट हो गई थी वो चीज़ें आपको फिर से मिलने वाली है। कुछ किसी चीज़ों की लॉस्ट हुई थी वो चीज़ें वापस से फिर से मिलने वाली है। यू आर टेकिंग मोर कैन ऑफ योर सेल्फ, यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप पर भी ध्यान दे, अपने ऊपर भी ध्यान दे, ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन। नो बडी इज़ लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, ये कोई कह रहा है। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है गॉड का, जो भी अभी तक आपने जाना है, समझा है, वो आपके लिए एक ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड। देखो, एक तो ये मैसेज आया, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, उसके बाद ये मैसेज आना, यहाँ जो भी आज पहुँचे हैं ना, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए ये डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन हो गया कि आज जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना वो डायरेक्ट डिवाइन की ओर से आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर एक शब्दों को केयरफुली सुने, अच्छे से सुने, ध्यान से सुने कि वो क्या, मैं मतलब समझ ले डिवाइन आपको कह रहे हैं, तो डिवाइन को देखें, डिवाइन आपको क्या समझा रहे हैं और क्या नहीं समझा रहे हैं, उन बातों को गौर से सुने और अपने जीवन में उस चीज़ों को अमल करें। तो ये कंफर्मेशन है गॉड की ओर से, तभी आप इस मैसेज तक पहुँचे हो। हर एक शब्द को ना थोड़ा ध्यान से सुने,
क्योंकि आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी भी है। यू विल रिसीविंग मोड, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप रिसीविंग मोड पर रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए आ रही है, तो उसके लिए आप पहले से ही रिसीविंग मोड पर रहे, क्योंकि अचानक से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो हो सकता है आपका दिमाग भी चकरा जाए। होता है कभी कभी अचानक से सारी चीज़ें अगर मिलने लग जाती है ना इंसान को, तो उनके अंदर एक अजीब ही एटीट्यूड आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए ना आप पहले से ही ना प्रिपेयर रहे और उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते रहे, और ये समझे कि वो चीज़ें आपके लिए ही है और वो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। मंत्रास करते रहे, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, तो आप ऐसा ना हो जाए कि वो चीज़ें आपके सर पर चढ़ जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, तो मैं ये बातों को ना नेगेटिव वर्ड्स में मत लेना, मैं एक अच्छे वे में आपको कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको खुशियाँ भी बर्दाश्त नहीं होती है, अचानक से अगर सब कुछ सही होने लगता है ना, सब कुछ उन्हें मिलने लग जाता है, तो उनकी जो वाइब्रेशनल होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चल जाती है। कुछ एटीट्यूड आ जाता है, कुछ बोलने का उनका ढंग बदल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उस चीज़ों को अपने सर पर मत चढ़ने देना। अचानक से कुछ चीज़ें आपको मिल रही है, बहुत आसानी से चीज़ें मिल रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना और उन चीज़ों को अपने सर पर हावी मत होने देना, ठीक है। अपने उसमें ना, अपने व्यक्तित्व में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें मत लेके आना जो डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो ये किसी के स्पेसिफिक मैसेज था आज अभी इसी वक्त का। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी कभी कि उन्हें अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए तो कुछ बिहेवियर में एटीट्यूड आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मत होने देना, ठीक है। वॉन्ट टू स्पॉइल योर लाइफ, तो कोई आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में लगा हुआ है, ख़राब करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है ना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और परेशान होने की वजह सिर्फ आप हैं। योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड टू नाइट, बी रेडी फॉर वंडरफुल स्टेट। वाओ, आज रात से ही आपके जितने भी मतलब आपके लाइफ में बैड चीज़ें चल रही थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें ना आज रात से ही ख़त्म हो जाएगी। बैड टाइम जो आपका चल रहा था ना, गलत समय, वो आपके ख़त्म होने वाले हैं। ये मैसेज आए हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए, 222 दिखा है डिवाइन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। 222 लिखकर थैंक यू ज़रूर से बोलें, क्लेम करें वीडियो को, और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। वाओ, फीमेल डिड स्पेल वर्क टू यू, देखो कोई फीमेल है, देखिए फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है आपके आसपास। कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है, हो सकता है आप शादीशुदा हैं, तो कुछ इन लॉज में ऐसे कुछ लोग हों जो फीमेल है और जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहती हैं। फीमेल एनर्जी ना 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ फीमेल्स हैं, ये फीमेल है जो आपके लिए ना बिल्कुल सही नहीं है, इनकी नज़र सही नहीं है, इनकी नज़र ही बहुत ज़्यादा ऐसी है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचती है, बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती है, आपके लिए हमेशा ना गलत चीज़ें मांगती है डिवाइन से कि इनका ऐसा हो जाए, बद्दुआ एक होता है ना, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं करती है। वो आपके लिए कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं होने देते हैं आपके डिवाइन, जो आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचाए। वो बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की बहुत ज़्यादा कृपा है। गलत चीज़ें भेजती हैं, गलत चीज़ें करती हैं ये फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स कहूँगी क्योंकि ये एक से दो हैं और भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई एक नहीं है। कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत सोचती हैं, आपको देखकर ये बहुत ज़्यादा जलती हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है आपको लेकर, ठीक है, आपका अच्छा नहीं देख सकती है ये। जब भी आपको देखती है तब भी इनके मुंह पे 10 रंग का पानी आप देखते होंगे पड़ जाता होगा, पानी होता है ना कि एक इंसान का हाव भाव ही बदल जाता है, वो इनका बदल जाता होगा। और जब ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, सब चीज़ें बहुत सही है, स्टेबल है, तब तो ये ऐसा लगता है इनको हार्ट अटैक ही आ जाएगा आने वाले टाइम में, तो ऐसे इनको हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई 3 इच्छा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 3 इच्छा है, और ये बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है जो आपके लाइफ में 3 महीने के अंदर अंदर पूरी होगी, ठीक है। अब मैं ये मत मुझसे पूछना कि ये तीन महीने के अंदर ही पूरी होगी, मैं ये नहीं कह सकती ये, लेकिन 3 महीने के अंदर कोई ऐसी एक इच्छा तो पूरी आपकी ज़रूर से होगी, और डेफिनेटली होगी, जो आपकी लाइफ में एक चमत्कार से कम नहीं होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई तीन इच्छा आपकी पूरी होने वाली है और 3 महीने में ही स्टार्ट हो जाएगी। एक इच्छा तो बहुत जल्द पूरी होगी, 2 का मुझे पता नहीं, लेकिन 3 इच्छा आपकी ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। 3 महीने के अंदर अंदर ना आप ऐसा देखोगे आपके लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है। और अभी आपकी एनर्जी, इस वक्त की एनर्जी देखूँ तो आप अभी ना बहुत ज़्यादा हो सकता है बैलेंस में, चीज़ें सही हो रही है, चीज़ें आप देख रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद इसी खुशी को देख कर ना कोई बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर हो रहा है और जल रहा है बहुत ज़्यादा। उनकी जलन का ना आप एक कह सकते हैं, उनकी जलन का कोई हद नहीं है, इस तरह वो जलते हैं आपसे। शायद आप जानते भी होंगे ये ऐसी कौन है भाई, बहुत जलते हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा। ये वाला देख लेते हैं, हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है, आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ, देखो समझने की कोशिश करो। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है, ठीक है, आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, खेल आप नहीं रहे हैं, खेल वो रहे हैं, डिवाइन खेल रहे हैं। ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, हर चीज़, हर वक्त, हर एक समय का वक्त तय है, ठीक है, आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, ये यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं। वाह, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छा मैसेज है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है। वाह, यू विल नाउ फॉलो फॉर योर पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आई है। आप अपनी खुशी, जो आपकी खुशी है ना, उन खुशी को फॉलो करो, देखो आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और आती है, कितनी ज़्यादा ना अच्छी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा। वाह, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। वॉचिंग यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है दूर से, उनकी नज़रें आप पर है। नाउ हेटर्स अराउंड यू, मतलब आपके जो हेटर्स हैं आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडस, पीस, हारमोनी आ रही है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।